पिता घोर शिव विरोधी और पुत्री शिव प्रेमी, और इन दोनों विरोधी परिस्थितियों के बीच खड़ी मैं। इससे अधिक भयभीत करने वाली बात क्या कुछ और हो सकती है? इसलिए उस दिन हमने बड़े प्रेम से सती को समझाया था, तुम्हारे पिताश्री जो मूल्य विचारों और संस्कारों को इस संसार में स्थापित करना चाहते हैं, महादेव उनके ठीक विपरीत हैं। नहीं माता, महादेव सत्य और जीवंत है और पिताश्री के मूल्य और संस्कार भिन्न, इसीलिए मैंने महादेव को चुना है। किंतु पुत्री, तुम्हारे पिताश्री महादेव को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। माता, एक बार महादेव मुझे स्वीकार कर ले, उसके पश्चात मुझे संसार में कोई चिंता नहीं। पुत्री, एक स्त्री होने के नाते हम तुम्हारे हृदय की भावनाओं को समझ सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा निर्णय बदलने को नहीं कह रहे हैं पुत्री। परंतु एक बात स्मरण रखना, महादेव से संबंध जोड़ने से तुम अपने जीवन के कई आत्मीय संबंधों को खो सकती हो। माता, मैं जानती हूं कि पिताश्री कुछ समय के लिए रुष्ट अवश्य हो सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने प्रेम से उन्हें अवश्य ही मना लूंगी। कितना प्रेम करती हैं आप अपनी पुत्री से, आने वाले संकट को जानते हुए भी आपने उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि वो महादेव को भूल जाएं, अपने कुल की परंपरा और मान्यता से बिभर। आपने अपनी पुत्री देवी सती की इच्छा को महत्व दिया। एक माँ से अधिक अपनी पुत्री के हृदय को कौन समझ सकता है? मैं समझ गई थी, सती के जीवन को अर्थ तभी मिलेगा जब उसे महादेव मिलेंगे। उसके पश्चात क्या हो? वही जिसका जिसका भय था। पुत्री के विवाह का निर्णय पिता करता है, और तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि अपनी इच्छा से अपने विवाह का निर्णय करने का? जिस प्रकार एक भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं, ठीक उसी तरह मेरे हृदय में महादेव वास करते हैं। और महादेव से विवाह करना मेरी इच्छा ही नहीं, अपितु मेरी नियति भी है। हम ब्रह्मपुत्र दक्ष हैं और संसार की नियति मैं निर्धारित करता हूं, और तुम मेरी पुत्री होकर अपनी नियति स्वयं निर्धारित करने चली हो। मैंने तो केवल अपनी नियति को जाना है पिताश्री। तुमने सही कहा सती, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारी नियति सब झूठे हैं, क्योंकि एक पुत्री की नियति उसके पिता के हाथ में होती है। केवल मैं निर्धारित कर सकता हूं तुम्हारा वर और तुम्हारा जीवन। पिताश्री, तो क्या एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं? अवश्य है, किंतु वो अपने पिता द्वारा चुने गए लोगों में से ही। हम तुम्हारा स्वयंवर शीघ्र रचाएंगे। तुम जिस राजकुमार के गले में वरमाला डालोगी वही तुम्हारा जीवन साथी होगा। ये हमारी अंतिम चेतावनी है।
महाराज दक्ष के विरुद्ध और कौन जा सकता है भला? उन्होंने वही किया जो उन्होंने निर्णय लिया था, और शीघ्र ही सती के स्वयंवर का आयोजन हो गया। उस स्वयंवर में राजकुमार थे किंतु महादेव नहीं थे, जिन्हें वो अपना हृदय अर्पण करना चाहती थी। तुम अपना जीवन साथी स्वयं चुनना चाहती थी ना, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। यहां तुम जिसके गले में वरमाला डालोगी वही तुम्हारा पति होगा। उसके पश्चात क्या हो? पिताश्री, जिस प्रकार आप अपने मूल्यों से बंधे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने प्रेम से बंधी हुई। मैं तन मन और हृदय से महादेव को अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए वरमाला मैं उन्हीं को अर्पण करूंगी। हे देवों के देव महादेव, आप तो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, इसलिए मैं इस धरती को साक्षी मानकर ये वरमाला आपको अर्पित करती हूं। यदि मेरी भक्ति निस्वार्थ है और मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी ये वरमाला स्वीकार करें। श्रद्धा समर्पण और प्रेम को स्वीकार करता हूं। मैं धन्य हो गई महादेव। में स्वयं को भुलाकर, मेरे प्रेम में स्वयं को खोकर आपने मुझे प्राप्त कर लिया है। प्रभु, यदि आपको मेरी भक्ति और प्रेम स्वीकार है तो मुझे अपनी शरण में ले लें, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर। अवश्य देवी। मैं संपूर्ण दिशाओं और संसार के सारे देवों को साक्षी मानकर अभी और इसी क्षण
आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अपितु ब्रह्मपुत्र दक्ष के विरुद्ध जाकर विवाह किया है। हे प्रजापति दक्ष, स्त्री हो या पुरुष, वे भक्ति, प्रेम और विवाह के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये सबका व्यक्तिगत अधिकार है। आपको अपनी पुत्री के इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। समाज से दूर, केवल फर्म में रमने वाला ये जटाधारी महाराज दक्ष को सिखाएगा समाज के नियम। हे ब्रह्मपुत्र, अहंकार को त्याग दीजिए और अपनी पुत्री के निर्णय को मान दीजिए। नहीं, मैं इस धर्म को कभी मान्यता नहीं दे सकता। पिता पुत्री का जन्मदाता होता है, उसका भरण पोषण करता है, इसलिए पुत्री को अपने पिता की सहमति से ही विवाह करना चाहिए। हे प्रजापति, सत्य कहा आपने। पुत्री के विवाह में माता पिता की सहमति अवश्य होनी ही चाहिए, परंतु पहली सहमति स्वयं उसकी होनी चाहिए, क्योंकि अपनों को छोड़कर एक नए परिवार के साथ संबंध जोड़ना होता है, अपना सर्वस्व जीवन बिताना होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, मेरी पुत्री ने उचित निर्णय लिया है? यह डमरू वाला, जिसे न समाज का ज्ञान है न धर्म का, भला मेरी पुत्री को कैसे प्रसन्न रखेगा? प्रजापति, सबके लिए प्रसन्नता का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आप अपनी प्रसन्नता को अपनी पुत्री पर आरोपित मत कीजिए। धर्म के अनुसार देवी सती का कन्यादान कीजिए और विधि पूर्वक उनकी विदाई की व्यवस्था कीजिए। जब उसने अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले ही लिया है, तो अब उसे अपने पिता के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है?
इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए, मेरे नेत्रों से दूर हो जाओ, जाओ। हे प्रजापति, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे और एक ना एक दिन अपनी पुत्री के निर्णय को स्वीकार करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आइए देवी। उस दिन हम महाराज दक्ष के विरुद्ध नहीं जा पाई। ना ही अपनी पुत्री को विदा कर पाए और ना ही अपनी पुत्री का कन्यादान कर पाए। हम अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते, नहीं करते, तभी तो उसके प्रेम को स्वीकृति देने का साहस नहीं कर पाए। आप हमसे पूछ रही थी ना गंगा कि यहां महादेव की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि उस दिन हम अपने जमाता महादेव के पांव पूज नहीं पाए, पूज नहीं पाए। सारा दोष हमारा ही है गंगा। दोष आपका नहीं, दोष समय और परिस्थितियों का है। और हमें पूर्ण विश्वास है समय के साथ साथ सारे संकट भी समाप्त होते जाएंगे और महाराज दक्ष भी देवों के देव महादेव को स्वीकार करेंगे। नारद, मुझे अपने पूरे जीवन काल में इतनी प्रसन्नता नहीं मिली जितना प्रसन्न मैं इस समय हूं। प्रसन्नता की बात तो है ही भ्राता, आप इस सृष्टि का सबसे बड़ा महायज्ञ जो करवाने जा रहे हैं। नहीं नारद, मैं इस यज्ञ के कारण प्रसन्न नहीं हूं, अभी तो इस महायज्ञ के कारण जो उस चटाधारी का अपमान होगा ना, उसके कारण मैं प्रसन्न हूं। क्षमा करे भ्राता, किंतु किसी का अनादर करने से स्वयं को भी आदर प्राप्त नहीं होता। नारद, अपना यह ज्ञान देव और मनुष्य के लिए बचा कर रखो। मुझे तो बस ये बताओ, जब तुमने उस डमरू वाले को यज्ञ में सम्मिलित न होने का समाचार दिया तो उसका मुख कैसा था? विष से भी अधिक अपमान का घूम पीकर उसने क्या प्रतिक्रिया दी? नारायण नारायण भ्राता, महादेव तो है ही विष पाए। आपका संदेशा मिलते ही उनके मुख पर प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ गई थी। अवश्य अपनी प्रसन्नता के पीछे वो अपना अपमान छुपा रहा होगा, किंतु ये तो उस चटाधारी के अपमान का बस आरंभ है। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा
जब तक सारे संसार से उसका सम्मान समाप्त ना हो जाए। हे भ्राता, आपका ये अहंकार और प्रतिशोध की ज्वाला आप ही के पुण्यों का नाश कर रही है। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, मुझे तो भय है कि कहीं आप स्वयं का ही सर्वनाश ना कर ले। हमें ज्ञात हो गया महादेव के अपराधी और कोई नहीं, अपितु महाराज दक्ष है। उन्हीं के कारण कंठ में महादेव की पूजा नहीं होती, किंतु अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम महाराज दक्ष को समझा कर ही रहेंगे। गंगा, जो अहंकार से भरे होते हैं वो ना ही किसी की सुनते और ना ही समझाने पर समझते। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि हम कुछ भी ना करें और महादेव का अपमान होता देखते रहे? गंगा नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें महाराज दक्ष को केवल समझाने से कुछ अधिक करना होगा, ताकि वे महादेव की भक्ति करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए विवश हो जाए। किंतु हम करेंगे क्या? गंगा, तुम जल की देवी हो, तुमने असुरों का उद्धार किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम महाराज दक्ष के अहंकार को समाप्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। वैसे हमने देखा है, जब से तुम कंठल आए हो ना, कुछ अधिक ही बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो। अब हम महाराज दक्ष को अपनी विधि से समझाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।